नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको अपने जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको किया कराया करवा रहे हैं, ऐसे जो शत्रु हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और दोस्तों खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुश रहने से हमारा मनोबल बढ़ता है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोगों से और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप आज का ये उपाय कीजिए। ये काली मिर्च का उपाय होने जा रहा है दोस्तों। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में जितने भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आप पर कुछ किया कराया करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो दुश्मन होते हैं वो हम पर किया कराया करवा देते हैं क्योंकि वो हमारी उन्नति से चिढ़ते हैं और हमारी उन्नति से उनको जलन होने लगती है। हम जब तरक्की करते हैं, जैसे कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, बड़ी नौकरी मिल जाती है, या फिर हम उन्नति करते जाते हैं, हमारे पास धीरे धीरे पैसा आने लग जाता है, तो जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वही दुश्मनी कर लेते हैं, वही दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि इसकी भावना होती है ईर्ष्या की। तो ईर्ष्या की भावना से, वो जलन की वजह से, जलन की भावना से वो जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए, अब देखिए दोस्तों हमारे आसपास हमारे मित्र बनकर वो दुश्मन रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा शत्रु कौन है। और यदि हमें पता लग जाए कि शत्रु कौन है तब भी इस उपाय को हम कर सकते हैं, और यदि नहीं पता तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आसपास के जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हम जिन्हें हम जानते हैं, वो ही हमारे शत्रु बनेंगे। कोई दूसरा तो इंसान शत्रु बनेगा नहीं क्योंकि वो तो हमें जानता ही नहीं है, जो हमें जानता है वही हमारा शत्रु बनेगा। तो दोस्तों ये जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये काली मिर्च का इतना ज़बरदस्त उपाय है कि यदि आप इसे कर लेते हैं तो अपने जीवन में कभी भी आपको शत्रुओं से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आप अपनी जो तरक्की है वो करते चले जाएंगे। शत्रु जो है आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अपने खुद के ही गुंतारे में लगा रहेगा, वो कभी भी आप पर कुछ भी टोना टोटका नहीं कर पाएगा क्योंकि शत्रु जो है वो ही नष्ट होने लग जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों शत्रु का जो पैसा है वो भी खत्म होने लग जाएगा। यदि शत्रु का पैसा खत्म होने लग गया तो फिर वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, दो आपके 100,000 शत्रु भी होंगे तो भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वैसे शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबाते हैं। साथ ही में दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के भक्त हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक करने से बागेश्वर बालाजी की कृपा तो आप पर होगी क्योंकि बालाजी का ही वीडियो है, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें ताकि श्री राम की कृपा आप पर जरूर हो। दो दोस्तों इस वीडियो को अपने दूसरी जगह पर जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं या कुछ भी हैं वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यदि इस वीडियो के बारे में पता लग गया तो वो भी अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह उपाय आपको मंगलवार भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, तीनों वार को ये उपाय किया जा सकता है। अब इस उपाय को कौन कौन कर सकता है, तो दोस्तों इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है, दोनों इस उपाय को आराम से कर सकते हैं और ये शत्रु मुक्ति का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारगर उपाय होने जा रहा है। तो यह जो उपाय है, यदि आप मान लीजिए शत्रु बहुत प्रबल है, दोस्तों क्या होता है कितनी बार शत्रु प्रबल भी होता है, शत्रु कितनी बार दुर्बल भी होता है। तो जो प्रबल शत्रु होता है जिससे कि हम लड़ नहीं सकते, तो अब जिस शत्रु से हम नहीं लड़ सकते तो वो तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा उतल पुतल ही मचाता रहेगा, अब उससे लड़ भी नहीं सकते तो फिर ये उपाय उसी के लिए किया जाता है। और यदि शत्रु दुर्बल है तब भी आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो लड़े झगड़े से बचेंगे। तो दोस्तों आप क्या करें, आप ये उपाय जो है मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार और गुरुवार के दिन कर सकते हैं, है ना। अब ये दिन हो गया, अब ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, तो सामग्री क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों आपको चाहिए काला कपड़ा। अब काला कपड़ा कितना बड़ा चाहिए, काला कपड़ा रुमाल से भी छोटी साइज का आपको काला कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब आपको चाहिए काली मिर्च के दाने। अब काली मिर्च तो आपने देखी होगी दोस्तों, ये हमारे गर्म मसालों में शोभित होता है, गर्म मसालों में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप क्या करें, काली मिर्च के, अब आप ये उपाय कब कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ये मंगलवार को उपाय कर रहे हैं तो मंगलवार को यदि उपाय कर रहे हैं तो आपको काली मिर्च के 9 दाने लेने हैं, ठीक है। शनिवार को कर रहे हैं तो काली मिर्च के 8 दाने लेने हैं, और यदि आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आपको काली मिर्च के 3 दाने लेने हैं क्योंकि गुरुवार का अंक होता है 3,
शनिवार का अंक होता है 8 और मंगलवार का अंक होता है 9, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप छोटी साइज़ का रुमाल ले लें, काले कलर का रुमाल से भी छोटी साइज़ का होना चाहिए वो कपड़ा, ठीक है। अब मैं मंगलवार के दिन आपको बताता हूँ। मान लीजिए मंगलवार के दिन यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आप क्या करें, मंगलवार के शाम को एक डिश में या प्याली में या थाली में आपको कपड़ा रख देना है और आप बैठ जाना है नीचे। अब उस कपड़े में आपका जो भी शत्रु है, अगर एक है तो आप उसका नाम बोलें, अगर एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप शत्रु भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम क्या बोलें कि हमारा जो एक ही शत्रु है या एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो हम क्या लिखें, ठीक है। तो दोस्तों आपको बोलना है, यदि एक से ज़्यादा शत्रु आपको लग रहे हैं कि एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप शत्रु बोल लीजिए, और यदि एक ही शत्रु आप उसका नाम जानते हैं तो आप उसका नाम बोल दीजिए काले कपड़े के आगे। अब आप क्या कर रहे हैं, अब एक काली मिर्च का टुकड़ा आपको उठाना है, मतलब एक काली मिर्च का दाना आपको उठाना है और शत्रु बोलना है और काले कपड़े पर आपको रख देना है। फिर इसी तरह से दूसरी काली मिर्च का दाना उठाना है, शत्रु बोलना है और फिर दोबारा से आपको रख देना। अब ये शत्रु इसलिए बोलना है क्योंकि एक से ज़्यादा शत्रु, यदि एक ही शत्रु है तो शत्रु का नाम बोलना है काली मिर्च के टुकड़े को उठाने के समय। अब आप क्या करें, एक एक काली मिर्च उठानी है आपको शत्रु का, हर काली मिर्च पर, जैसे 9 काली मिर्ची है मंगलवार को करेंगे तो 9 काली मिर्च के बाद आपको एक एक उठा करके 9 बार आपको नाम लेना है और उसको काले कपड़े में रख देना है। अब आपको क्या करना है, इस काले कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है, ठीक है। पोटली बनाने के बाद आपको हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। अब जो भी आपका इष्ट देव है, जैसे आपके बजरंग बली इष्ट देव हैं तो आपको बजरंग बली से प्रार्थना करनी है ना, भगवान विष्णु इष्ट देव हैं तो उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है। और आपकी कुल देवी कोई है तो उसके उन इष्ट देव की आपको प्रार्थना करनी है कि है मंगल देव, उनसे प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि मेरे शत्रु का नाश करें। मान लीजिए आपके इष्ट देव माँ काली है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि है इष्ट देव, हे इष्ट देवी, मेरी जितने भी शत्रु हैं उन सबका सर्वनाश करो, उनसे मेरी रक्षा करो, बस। और आप इन काली मिर्ची के जो पोटली है, जो काली मिर्च की जो आपने पोटली बनाई है काले कपड़े में, आप उसको उठा लें और उठा करके, ध्यान रहे दोस्तों काली मिर्ची जो है कपड़े के नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बहुत संभाल करके आपको उसको उठाना है। इसमें गांड बांध लेनी है और एक पोटली बना लेनी है। अब किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, है ना, जहाँ पर लोग बाग आते जाते नहीं हो। आपको बिल्कुल ज़्यादा सुनसान पे नहीं जाना, जंगल में नहीं जाना दोस्तों आपको जाना है किसी भी सुनसान स्थान पर, और एक लकड़ी अपने साथ ले जानी है, ठीक है। अब आप क्या करें, 7-8 कपूर की डलियाँ भी साथ में ले जाएं। अब क्या करें कि आप माचिस भी साथ में ले जाएं, तो आप वहाँ पर सुनसान स्थान पर जा कर के उस पोटली को ले जाएं, कपूर ले जाएं, 7-8 डलियाँ कपूर की और माचिस ले जाएं। अब आप क्या करें तो कुछ घास फूस रख करके उस पोटली को उस पर घास फूस पर रख दें। अब पोटली को घास फूस पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, पोटली को घास फूस पर रखने के बाद आप उसमें कपूर लगा दें और चारों तरफ कपूर लगा दें पोटली के, और कपूर में आग लगा दें। कपूर जैसे जलने लगेगा पोटली भी जलने लगेगी, तो पोटली के साथ काली मिर्ची भी जल जाएगी। तो दोस्तों ये काली मिर्ची और पोटली आपको पूरी की पूरी जला देनी है। अब जला देने के बाद जब इसके अवशेष रह जाएंगे तो क्या रह जाएगा, उसकी राख रह जाएगी। लेकिन इस क्रिया को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे, यदि आपको कोई डिस्टर्ब कर दिया तो ये क्रिया संभव संपन्न नहीं होगी। तो जब उसकी राख बच जाएगी तो राख पर आपको क्या करना है, कंप्लीट जल जाएगी। राख बचने के बाद आपका जो बायां पांव है तो बायां पांव से 3 बार वही शत्रु का नाम लिखना है। यदि आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप शत्रु 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 करें 3 बार, और यदि आपके एक ही शत्रु है तो शत्रु का नाम लेकर के उस राख पर बाएं पांव से, बायां पांव मतलब लेफ्ट पांव है ना, उल्टा पांव जो होता है, उससे आपको 3 बार उस जो राख बच गई है उस पर मारना है। और मार करके बिना पीछे देखे आपको घर में चले आना है, किसी से बात नहीं करनी है रास्ते में, और घर में घुसने ही आपको हाथ मुँह धो लेने हैं, ठीक है दोस्तों। घर में एंट्री करते ही आपको हाथ मुँह धो लेने हैं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये क्रिया आप में मैंने मंगलवार के लिए बताई। यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको काली मिर्ची 3 लेनी है, शनिवार के दिन करते हैं तो आपको ये काली मिर्ची आपको 8 लेनी है। तो दोस्तों यकीन मानिए, ये वाला जो उपाय है यदि आप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गुरुवार को ये उपाय करते हैं, अब देखिए मंगलवार होता है बालाजी का वार, मंगलवार होता है हनुमान जी का वार, तो हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन यदि आप गुरुवार के दिन उपाय करते हैं 3 काली मिर्ची लेकर के, तो आपको गुरु भगवान से ये प्रार्थना करनी है। और यदि आप शनिवार के दिन उपाय करते हैं तो आप बालाजी से भी प्रार्थना कर सकते हैं और शनिवार से ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो काली मिर्च के दानों का ध्यान रखना दोस्तों, मैंने नंबर बता दिए हैं कि कौन कौन से वार के दिन किस किसके जरिए दाने। अब देखिए दोस्तों यदि आप
आप यदि इस उपाय को कर लेंगे तो आप देखेंगे एक नहीं अगर 100,000 भी शत्रु होंगे तो वो निस्तनाबूद हो जाएंगे, आपके जो शत्रु हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, उसका मान घटने लगेगा, मर्यादा घटने लगेगी, उसका जो पैसा है वो घटने लगेगा, वो हर किसी से लड़ाई झगड़े करने लग जाएगा, वो खुद का ही सत्यानाश कर लेगा, ऐसे में आप पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और कुछ भी नहीं करा पाएगा तो और आपकी उन्नति हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे उपाय देखने के लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर करिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, यदि आपने नहीं तो आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आप ये उपाय बिल्कुल सही से करें। सही से उपाय नहीं होगा तो फिर दोस्तों दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताया गया ये उपाय बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सरकार हर हर महादेव।